दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, प्रोफेसर कांचा इलैया। स्वागत कीजिए उनका। उनकी अभी नई नई किताब आई है द शुद्रास विजन फॉर ए न्यू पाथ, और ये किताब इस समय काफी धूम मचा रही है, काफी चर्चा हो रही है। इस बीच में ट्रेवल करते हुए कई सारे एयरपोर्ट जहां भी मैं गया, हर जगह ये किताब बुक सेल्फ पर ऊपर रखी हुई मिली, बहुत प्रोमिनेंटली रखी हुई है। इसका मतलब ये किताब काफी दूर दूर तक पहुंच रही है। वेलकम प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है द शूद्रास विजन फॉर ए न्यू पाथ, सो फरवरी में पब्लिश हुआ है और ये अमेज़न पे बेस्ट सेलर है, अभी तक भी बेस्ट सेलर चल रहा है। जी प्रोफेसर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो इस बुक के लिए जो टाइटल रखा, जो आपने इसका शीर्षक रखा है, उसके पीछे क्या आइडिया है। मतलब ये एक तरह से कई बार लगता है कि इतना पुराना आइडिया है, कहाँ हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और इन पुराने कॉन्सेप्ट्स में और पुरानी आइडेंटिटीज में फंसे हुए हैं, तो आपका इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या, क्यों आपने इस किताब का नाम शुद्रा रखा, जो मतलब बहुत प्रोमिनेंट आइडेंटिटी है लेकिन ये पुरानी आइडेंटिटी है ऐसा लगता है, तो व्हाट इज योर आइडिया व्हेन यू थॉट अबाउट दिस टाइटल दैट दिस बुक। दिलीप जी देखिए, जब समृद्ध भारत और पेंगुइन कंपनी एक अग्रीमेंट में आके 14 वॉल्यूम्स लाने का अग्रीमेंट हुआ, वो लोग ओबीसी वॉल्यूम को एडिट करने के लिए मुझे एडिटर के तौर पे चूज किया गया था। सो जब किताब पे मैं राइटर्स को चूज करके और किताब इंट्रोडक्शन लिखते हुए और राइटर से मैं पूरा से पूरा यंग एक्टिव रिसर्च स्कॉलर्स, क्योंकि ओल्ड शूद्रास इवन जो रिजर्वेशन का बाहर है वो इंटेलेक्चुअल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में IITs में, उन लोगों को मैं काफ़ी बात करके देखा, वो लोग लिखने के लिए तैयार नहीं थे। सो मैं यंग स्कॉलर्स को रोप इन करके मैं ये किताब जब पूरा इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा था, मुझे ये समझा ये बीजेपी आने के बाद 7 साल में, जब 5 साल हो गया जब हम ट्राई कर रहे थे, उससे पहले मैं कारवान में एक आर्टिकल लिखा था 2018 में जी, वेयर आर द शूद्रास। सो वो आर्टिकल में मैं ये इश्यू ऊपर लाया, जो आरएसएस का मुद्दा को, राम जन्मभूमि को लेके जो अमल करने का प्रयास किया गया था, उसमें ब्राह्मण्स लीडर्स आइडियोलॉजिकल लीडर्स थे। जब आरएसएस फॉर्म हुआ महाराष्ट्र में और उसका सिद्धांतकर्ता जो सावरकर है वो भी ब्राह्मण थे, हेडगेवार ब्राह्मण थे, गोलवलकर ब्राह्मण थे और सब उसका सरसंचालक ब्राह्मण थे, मगर उसका जो कैंपेन में पूरा शूद्र लोग हिस्सा लेके मुस्लिम इश्यूज पे लड़ाई करके राम जन्मभूमि का मुद्दा पे लड़े, मगर जब बीजेपी गवर्नमेंट आया तो उसमें शूद्र लोग कहीं नहीं दिखा मुझे, क्योंकि कांग्रेस में भी ये प्रॉब्लम था। इंदिरा गांधी के पहले जो कांग्रेस में थोड़ा शूद्र लोग रहते थे, सरदार पटेल, कामराज नाडार, भाई बी चौहान, निजलिंगप्पा, वैसे लोग रहते थे। इंदिरा गांधी आने के बाद वहां भी शूद्रों को ग्रेजुअली निकाला गया, और बीजेपी में नरेंद्र मोदी ओबीसी बोल के प्राइम मिनिस्टर बना एंड शूद्रों का वोट वो प्राइमरी था उन लोगों को, वो शूद्रों का और ओबीसी का वोट से ही सत्ता में आए। मगर अगर आप बड़ा कैबिनेट को
देखे तो अभी अरुण जेटली होने दो, सुषमा स्वराज, जावडेकर, सब निर्मला सीतारामन, जयशंकर, अब जो लोग है ये पूरा ब्राह्मण्स है। एक सॉरी, हाँ, तो उसमें मैं ये किया, ओबीसी टाइटल इसको लगाने का नहीं हो सकता, इसका टाइटल शूद्र होना है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में मुस्लिम्स भी है, ओबीसी कैटेगरी में क्रिश्चियन कन्वर्ट्स भी है, ओबीसी कैटेगरी में नॉर्थ इंडिया में सर्टेन बनिया कम्युनिटीज भी है, उसी लिए मैं शूद्रों का ऊपर फोकस किया, उसी लिए टाइटल आया। राइट, एक क्वेश्चन है प्रोफेसर कि आपको जब एक टर्म यूज कर रहे हैं जो सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल टर्म के तौर पर शूद्र, जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं जिस टर्म को, तो उस टर्म का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि ये एक तरह से बहुत फ्लूइड सी डेफिनेशन, अभी तक अलग अलग लोगों ने इसको देखा है, कोई ऋग्वेद से डेफिनेशन लेता है, कोई कुरान से ले रहा है, कोई बाबा साहब का डेफिनेशन लेता है, तो सो मेनी डेफिनेशन आर देयर। What is your definition of the term which you are using, the Shudra? How do you define this term? इसमें कौन है और कौन नहीं है? नहीं, ये बहुत critical and most important question है। जैसा दलित identity बना untouchables को लेके, और आदिवासियों को लेके एक tribal identity बना, वैसा शूद्र आइडेंटिटी राइटिंग में, एकेडमिक्स में, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में नहीं था। हम ये शूद्र आइडेंटिटी को हिस्टोरिकल तौर पे लिए, जो ऋग्वेद में ब्रह्मा के शरीर से जो फोर वर्ण निकाला गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, और पूरा किताबों में भी ये शूद्रों का जिक्र नहीं हुआ, रामायण महाभारत में भी शूद्रों का। सो उसी लिए हम ये शूद्र टाइटल को लेते हुए इसमें इंट्रोडक्शन में ही रीडिफाइन किया। क्या बोले उसमें? हम बोले जो अग्रेरियन प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, दोज आर रिलेटेड टू अग्रेरियन प्रोडक्शन, whether they are Jat, whether they are Gujar, whether they are Kurmi, whether they are Kapu, Kamma, Reti, all over the country, Patel, Maratha, ये पूरा agrarian production से जो लोग जुड़ा हुआ है वो लोग historically Shudras है, जो top यूपी अगर आप लिए तो Jat से लेके दो भी तक यही शूद्रों में आते हैं। सर्टेन स्टेट्स में दो भी और ऐसा कास्ट, शेड्यूल कास्ट में भी गए हैं, मगर साउथ इंडिया में अगर आप देखें, आंध्र प्रदेश में दो भी शूद्रों में है, नाई शूद्रों में है। सो द बार्बर्स एंड वॉशर्स आर इन द शूद्र कम्युनिटी ओनली, बेसिकली शूद्र। प्रोफेसर की आप एक तरह से जो प्रोडक्शन में लगे हुए लोग हैं, इसको आप एक ब्रॉडली ब्रॉड फ्रेमवर्क में जो ओबीसी से ज्यादा वाइड है उसको आप शूद्र के तौर पर डिफाइन कर रहे हैं। एक सवाल मेरा यहाँ पर है प्रोफेसर कि जैसे आज से लगभग 80 साल पहले हुएर शूद्राज नाम का टेक्स्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा और वो बहुत ज्यादा एक तरह से संस्कृत टेक्स्ट का टेक्स्टुअल रीडिंग है, इसके मुकाबले आप जब एक वॉल्यूम एडिट कर रहे हैं तो ये इसको आपने बहुत कंटेम्प्रेरी रखा है। जैसे कि आपने एक पीस लिखवाया है शरद यादव से, द इम्पोर्टेंस ऑफ शूद्र पॉलिटिक्स इन इंडिया, या प्राची पाटिल का जो बहुजन वुमेन वाला जो चैप्टर है, या इवन उर्मिलेश जी का जो चैप्टर है न्यू बिगनिंग फॉर शूद्र स्टिल पॉसिबिलिटी, ये सारे जो मणिकांटा का जो ये अपना एक चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, शूद्र कंसियसनेस एंड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो ये इवन बल्कि लास्ट में आप शूद्र टीम जो ने जो बनाया है कास्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें आप बता रहे हैं कि किस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर नॉलेज, ये जो वेल्थ का प्रोडक्शन है उसमें किस तरह से इन शूद्र कास्ट का मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, तो आपने इसको बहुत कंटेम्प्रेरी बनाया है। तो एक 80 साल 8 इयर्स का जो एक
गैप है, एक जो जर्नी है, जो ट्रेजेक्ट्री है, तो आप दोनों की आइटिनरी थोड़ी सी अलग दिखती है बाबा साहब का जो जो कोशिश कर रहे हैं, जहां पर वो चीजों को ले जाने की, और आप जहां पर पहुंचा रहे हैं, वो दोनों का मेथोडोलॉजी में एटलीस्ट बहुत फर्क है, कंक्लूजन हो सकता है बहुत सिमिलर भी हो सकता है। आप जो जो कह रहे हैं सही है जी। इसको हमारा थीसिस जो है लास्ट चैप्टर से जो कास्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी है उससे वो स्ट्रेंथन होता जी। उसमें हम जो देख के बताए हैं कि पूरा इंडिया तो अब फ्यूडल इकोनॉमी नहीं है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गया और मोनोपोली कैपिटल्स है। पूरा कैपिटलिस्ट में अगर आप देखें 46% कैपिटल जो है बनिया का हाथ में है, वो अंबानी हो, अदानी हो, लक्ष्मी मेटल्स हो, वेदांतिक हो, आप जो टॉप 10 हार्डवेयर एंड अदर प्रोडक्शन को अगर आप देखें तो बनियास के हाथ में है। 42% जो है बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और ए सेक्शन ऑफ हार्डवेयर इंडस्ट्री अब ब्राह्मणों का कंट्रोल में, ये दोनों बीजेपी को सपोर्ट कर रहे, पूरा शूद्रों को मिला के पूरा एग्रीकल्चर जो करते हैं अब जो फार्मर्स के जैसा जो एजिटेशन कर रहे हैं, वो धनवान हो वो गरीब हो, सब शूद्रों को एक जगह रख के देखे तो भी उन लोगों का कंट्रोल इंडस्ट्री पे 3.8% है। ये बिल्कुल कम क्यों हुआ इतना? क्योंकि इससे पहले लेफ्ट मूवमेंट समझते थे पूरा प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में है, सो फ्यूडलिज्म डेंजरस था, मगर फ्यूडलिज्म वो पूरा स्ट्रगल्स अटैक्स फ्यूडलिज्म पे हुआ। अब जो है बनिया और ब्राह्मण मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट बनके पूरा इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो इंडियन इकोनॉमी के साथ यही लोग इलेक्शन को कंट्रोल, यही लोग ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं, रिजर्वेशन में यही लोग मेरिट बोलते हैं, और मुस्लिम को छोड़ो क्रिश्चियन को छोड़ो अपना जो हिंदू नेशनलिज्म के लोग समझते हैं दो शूद्रों को और दलितों को आदिवासियों को रिजर्वेशन दिए तो ये मेरिट क्या होता है, इनको क्यों जॉब होना है बोल के वही लोग पूछते हैं। तो उसी लिए हम शूद्र कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करके शूद्रस आर द पीपल हु प्रोड्यूस वेल्थ एंड फूड एंड रिसोर्सेस, जो वेल्थ और रिसोर्सेस और जो नेशनल इकोनॉमी बिल्ड करते हैं प्रोड्यूस करते हैं वो लोग 52% है, वो लोग शूद्र है। एक तरह से ये पोस्ट हिंदू इंडिया एक तरह से उसका भी एक एक्सटेंशन, उसी आइडिया का एक ब्रॉड आपने इसको और ब्रॉडन किया है एक, और इस वजह से ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट भी हो गई और शायद इसी वजह से इतनी पढ़ी भी जा रही है, इतनी पॉपुलर भी हुई है। एक चीज जो आपने इसमें एक आइडिया दिया है जो कि पहले इस बात को किसी ने इतने अफ्रंट नहीं किया था, इतने जोर से और इतने पावरफुल तरीके से नहीं बोला था, कि मोदी का पावर में आना, नरेंद्र मोदी का पावर में आना 2014 में जो हुआ, इसका बेस एक तरह से कांग्रेस की पॉलिटिक्स ने जो यूपीए 2 स्पेशली है उसमें जिस तरह से शूद्रों का, जो आपका शूद्र जिसको आप कह रहे हैं उसका जो मार्जिनलाइजेशन है, वहां से उसका एक तरह से बेस तैयार हुआ, और इस बात को आपने बहुत फोर्सफुली और बहुत एविडेंस के साथ रखा है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका थोड़ा सा बताइए ये आइडिया क्या है, क्योंकि ये नया भी है और आपने बिल्कुल यूनिक तरीके से आपने इसको सामने भी रखा है, तो ये हुआ क्या? मतलब बीजेपी का आ जाना कोई एक रात में तो हुआ नहीं होगा कि आज कल था कल आ गया पर दूसरे दिन आ गया, और सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक जो शूद्रों का है उसका एक हिस्सा को लिए बगैर तो बीजेपी आ नहीं सकते, क्योंकि मुसलमानों का इनको वोट मिलता नहीं है, तो ऑब्वियसली शूद्रों का एक हिस्सा इनके साथ गया था, तो क्या था, मतलब क्या क्या प्रोसेस हुआ होगा? नहीं मंडल जी, यू आर राइट, जो पोस्ट हिंदू इंडिया किताब में मैं क्या आदिवासी का प्रोडक्शन क्या है,
दलितों का प्रोडक्शन क्या है, शूद्रों का प्रोडक्शन रोल क्या है, बनिया का क्या रोल है, ब्राह्मण का क्या रोल है, वो बताया मैं बिल्कुल फील्ड वर्क से बताया, कास्ट वाइज बताया बिल्कुल। और वो भी बेस्ट सेलर है, वो सेज किताब सेज पब्लिशर डाले हैं। और उसके बाद जो वो 2009 में पब्लिश हुआ जब यूपीए पावर में था, यूपीए पीरियड में क्या हुआ, वो लोग मुस्लिम को रिकॉग्नाइज किए, वाइस प्रेसिडेंट टू टर्म्स मुस्लिम थे, दलितों को रिकॉग्नाइज किए, काफी होम मिनिस्टर और एयरली एक प्रेसिडेंट भी थे, और ब्राह्मण्स को तो हमेशा प्रेसिडेंट्स वगैरह बनाते गए, मगर एक शूद्र ओबीसी को भी एक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट या यूजी चेयरमैन वाइस चांसलर यूपीए में नहीं बनाए। सो इन लोग एलियनेट हो गए और बीजेपी इसको कैप्चर करने के लिए यूपीए सोनिया गांधी रिलीजन बैकग्राउंड ले लिए और हमीद अंसारी का रिलीजन और मनमोहन सिंह एक छोटा सिख कम्युनिटी से आया, उन्हें खत्री सिख है, उनको 10 साल प्राइम मिनिस्टर बना के वैसा रख दिया। तो बीजेपी ने इनके खिलाफ में माइनॉरिटी रिलीजियस गवर्नमेंट बोल के कैंपेन किया, ये शूद्रों ने बिलीव किया, ऑल शूद्रास जाट्स गुजर्स पटेल्स नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल बिलीव किए, क्योंकि देयर वर नो शूद्रास एनीवेयर इन द टॉप। वो नरेंद्र मोदी जो बीजेपी उससे पहले ओबीसी रिजर्वेशन को अपोज किए मंडल में, बट नरेंद्र मोदी को ओबीसी आइडेंटिटी से बाहर लाके पूरा वोट्स जमा कर लिए। पावर में आने के बाद ये शूद्रों को इसमें भी कुछ नहीं है, और राम टेम्पल का मुद्दा लाए, अब टेम्पल बना रहे, जुडिशियरी भी एक्सेप्ट किया, मगर उसमें वो लोग शूद्र कोई भी प्रीस्ट नहीं बन सकते हैं। और उसका इकॉनमी पे इसको कंट्रोल नहीं रहे, पूरा हिंदू सिस्टम टेम्पल सिस्टम पे इसको कुछ नहीं है, गुरुकुला में एंट्री कोई किसी को अब तक भी नहीं है, और आरएसएस बीजेपी ने जो हिंदू नेशनलिज्म बोल रहे हैं ये भी रिफॉर्म करने का उसके पास एजेंडा नहीं है, बात भी नहीं कर रहे। यहां से हम डाउट किए अगर यही लोग हिंदू राष्ट्र लाए तो अब मुस्लिम एजेंडा को लेके सत्ता में आके हिंदू राष्ट्र अगर ला लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो शूद्रों को थोड़ा पावर दिया अब तक रीजनल पार्टीज वगैरह वो भी चले जाएगा। एक क्योंकि आप बेसिकली पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और वो आपकी ट्रेनिंग भी है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए मेरा ये है, जिसका उर्मिलेश ने थोड़ा सा डील किया है इस आपके वॉल्यूम में, कि ऐसा नहीं है कि शूद्रों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ है 77 से लेकर 90s और बीच बीच के फेजेस में देवगौड़ा फिर बनते हैं, फिर तो कई सारे एक तरह से शूद्रों का एक उभार होता है, जिसको कि क्रिस्टोफ जफरलो ये बोलते हैं कि वो साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ है, ओबीसी एम्पावरमेंट टर्म यूज कर रहे हैं वो, तो ये जिनके पास पावर आया बीच बीच में लोगों ने इनको एम्पावर किया, चीफ मिनिस्टर बनाया, पावरफुल बनाया, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाया लोगों ने, उसी पीरियड में मंडल कमीशन आया लागू हुआ, तो ये फिर पीछे कैसे चले गए, ये जो प्रोसेस चला था इसमें सेटबैक कहाँ पर आता है ये, क्योंकि शूद्र जो पूरा आपका आइडिया है उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इन लोगों को का एम्पावरमेंट जब हुआ और लीडरशिप आई तो ये फेलियर क्या था, ये शूद्र लीडरशिप की फेलियर थी या पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है देश का वो बदल गया, या जो काउंटर आइडियाज के साथ आए उन्होंने जीत लिया, या ये तीनों एक साथ हुआ क्या, मतलब ये प्रोसेस क्या नहीं था? दिलीप जी क्या हुआ, कांग्रेस का पीरियड में जो शूद्र आए सरदार पटेल से पहले शुरू हुआ, 1931 में उन्हें प्रेसिडेंट बना, मगर वहां से लेके इवन पेरियार और पूले को छोड़ के एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी उसमें एमर्ज नहीं हुआ कोई सेंट्रल लेवल पे डील करने का। सत्ता कांग्रेस पीरियड में भी रियल सत्ता जो है इंटरनेशनल रिलेशंस एम्बेसडर्स
सीनियर प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट टॉप सेक्रेटेरिएट पूरा ब्राह्मण चलाए और शूद्रों को जब कांग्रेस उन लोगों को सेंटर में कुछ प्लेस नहीं दिया शूद्रों ने रीजनल पार्टी शुरू किए yes. वो रीजनल पार्टीज अग्रेरियन इकोनॉमी से चला रहे अब भी वही है उसके पास इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं है अग्रेरियन इकोनॉमी है तो बीजेपी आते ही ये रियलाइज किया ये अनलेस रीजनल पार्टीज को भी खत्म नहीं करेंगे तो हम सत्ता में नहीं रहेंगे उसीलिए समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए देख रहे हैं बीजेपी और लालू प्रसाद का पार्टी को खत्म करने के लिए देख रहे हैं हरियाणा में जो जाट का पार्टी थे चौताला का इन लोग वो खत्म हो गया और महाराष्ट्र में जो शरद पवार इन लोग एमर्ज हुए उसको खत्म करने के लिए देख रहे हैं साउथ इंडिया में उतना सक्सेस नहीं हुए रीजनल पार्टी को खत्म करने का मगर कर्नाटक को कैप्चर किए हम ये किताब में ये बोलना चाह रहे अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू है तो नरेंद्र मोदी एक तरफ में ओबीसी बोलते रहेगा बनिया कैपिटल उसको सपोर्ट करते रहेगा ब्राह्मण स्पिरिचुअल पावर और इंग्लिश एजुकेशन पावर जो ब्राह्मण के हाथ में है वो उसको सपोर्ट करते रहेंगे लिबरल और सेकुलर थोड़ा लेफ्ट लोगों को छोड़ के भी मगर दलितों का हालत कैसा तो भी बुरा होगा मुस्लिम का हालत तो उन लोगों को है तो वही है वही प्रॉब्लम उन लोगों का है वो उन लोग पे फाइट करना आई एम नॉट हियर टू फाइट द मुस्लिम प्रॉब्लम वो तो मुस्लिम्स बहुत बड़ा कम्युनिटी है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी मगर दलित ओबीसी और शूद्रों का प्रॉब्लम ये है इसमें एक्सेप्ट अंबेडकर नेशनल लेवल इंटेलेक्चुअल कोई नहीं है इसको अब प्रोड्यूस करना पड़ेगा इंग्लिश एजुकेशन में नहीं है लोग मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देखा कोई भी टॉप इंटेलेक्चुअल नहीं है जर्नलिज्म में देखो कोई टॉप इंटेलेक्चुअल नहीं है और फाइनेंशियल सेक्टर में देखो कोई टॉप वाला नहीं है और स्टॉक मार्केट में देखो कोई टॉप शूद्र नहीं है वहाँ मराठा हो या पटेल हो या जाट हो क्यों हुआ ये इन लोगों को स्पिरिचुअल पावर नहीं है फिलोसॉफिकल पावर नहीं है लिंग्विस्टिक पावर इंग्लिश इससे पहले संस्कृत नहीं आते थे इन लोगों को सीखने का परमिशन भी नहीं था बाद में पर्शियन लैंग्वेज ब्रिटिश मुस्लिम पीरियड में आया वो भी इन लोगों को नहीं था इवन मुगल्स डिड नॉट टीच देम पर्शियन वो भी कायस्ता कत्री और ब्राह्मण सीख लिए वो पटवारीस बने वो ऑफिशियल्स बने वो एवरीथिंग वो ही बने इंग्लिश अब नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल्स में रीजनल लैंग्वेज पढ़ाना बोल के कांग्रेस भी बोले अब बीजेपी उसको बढ़ा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर शूद्र रिवोल्ट नहीं होता इसके खिलाफ तो दलितों से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता क्योंकि दलित 16.5% है वो भी एक माइनॉरिटी है ना शूद्र लोग अगर ब्राह्मण बनिया कायस्था का एजेंडा को सपोर्ट करते हुए देश चलाते रहेंगे तो दलितों का विमुक्ति भी नहीं होगा अंबेडकर का जो फिलॉसफी है अनिहिलेशन ऑफ कास्ट बगैर शूद्र लोग समझ के कास्ट को छोड़ने के लिए तैयार होके दलितों से और आदिवासी से जुड़ के काम नहीं करे तो अब जात को कैसा छोड़ेंगे आप इसीलिए ये किताब एक नया मैनिफेस्टो है और इसको काफी लोग बोल रहे हैं ये डिरोगेटरी टाइम है टर्म है ये शूद्रा अरे डेरोगेटरी तो नहीं है सर डेरोगेटरी तो नहीं है इसलिए क्योंकि ये टर्म तो ज्योतिबा फुले ने भी इस्तेमाल किया है बाबा साहब ने भी इस्तेमाल किया है और लोग फिलोसफर्स भी लगातार इस्तेमाल करते रहे दिस इज नथिंग मतलब कि अचानक से किसी ने बोल दिया ये तो खैर आर्गुमेंट हम आप अकेला एक ही रिव्यूअर ईपीडब्ल्यू में आप जो रिव्यू करे उसको एक अच्छा टाइटल दिए शूद्र आइडेंटिटी का एक स्ट्रगल बिगिन हुआ अब तक दिल्ली में शूद्र आइडेंटिटी नहीं है ब्राह्मण आइडेंटिटी है क्षेत्रीय आइडेंटिटी है यूपी में योगी आदित्यनाथ किन को पहले ऑर्गेनाइज कर रहा क्षेत्रियों को और
वो लेडी है ना मध्य प्रदेश का जो ठाकुर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर प्रज्ञा उन्हें बोली और ब्राह्मण को ब्राह्मण बोले तो वो इंसल्ट नहीं फील होता, क्षत्रियों को क्षत्रिय बोले तो इंसल्ट नहीं होता, और वैश्यों को वैश्य बोले, शूद्रों को शूद्र बोले तो वो इंसल्ट होगा। ये इंसल्ट क्यों है? तुम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तुम अग्रेरियन इकोनॉमी को चला रहे हैं, तुम पूरा क्रॉप को ये कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं देश को रक्षण भी तुम ही कर रहे हैं, मगर क्योंकि ब्राह्मण का रेजिमेंट नहीं है देश में, सैन्य में बनियाओं का रेजिमेंट नहीं है, जाट रेजिमेंट है और मराठी रेजिमेंट है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ये आइडेंटिटी लाना बहुत जरूरी है, इससे ही देश चेंज होगा, पीछे जाने का जो मुद्दा प्रारंभ हो गया उसको ढकल सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा प्रोफेसर, वैसे आप लोगों ने, आपने और कार्तिक राजा करुप स्वामी ने जो बुक एडिट की है, और कार्तिक अभी हमारे डिस्कशन में नहीं है लेकिन उन्होंने भी इसमें काफी रोल प्ले किया होगा क्योंकि आप लीड एडिटर हैं, तो आपको उन्होंने असिस्ट भी किया होगा कई तरीके से, तो उनको हम मिस भी कर रहे हैं और शायद आगे हम उनको बुलाएंगे बातचीत में। एक आप लास्ट हमें हमारे ऑडियंस को बताइए कि अगर कोई कहे कि ये बुक शुद्रा विजन फॉर अ न्यू पाथ पढ़नी चाहिए, तो उनको कोई एक ऐसी वजह बताइए कि वो उनको ये किताब पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों ये डिस्कशन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये डिस्कोर्स उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए ये पूरा पहले शूद्र एजुकेटेड लोग अपना हिस्ट्री जो ऋग्वेद से लेके उससे पहले 1500 ईयर्स हरप्पन सिविलाइजेशन जो हम बिल्ड करे, नगर बिल्ड करे, दुनिया में पहली बार बड़ा नगर हरप्पा मोहनजोदड़ो धोलावीरा, वही शूद्रों का डायनास्टी, शूद्रों का पूर्वी लोग बिल्ड करे वो लोग, आप मालूम करना, अब देश सबसे ज्यादा शूद्रों का है, दलितों को साथ लेके जाने का है, अगर शूद्र अब तक पढ़ रहे नहीं, लिख रहे नहीं, इंग्लिश में तो बिल्कुल लिख रहे नहीं, अब हर शूद्र घर में एक लाइब्रेरी होना है, अपना बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना जरूरी है, ये किताब हम हिंदी में भी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और तेलुगु तमिल मराठी ऑल सब भाषाओं में आ जाएगा, मगर शूद्रों को पढ़ने का आदत नहीं है, ये किताब अपना बच्चों का जिंदगी के लिए, अपना फ्यूचर के लिए, ये देश में डेमोक्रेसी को रखने सुविधा से रखने के लिए, टू कीप द डेमोक्रेसी अलाइव, ये कॉन्स्टिट्यूशन को रक्षा करने के लिए आप पढ़ना जरूरी होगा। okay, अगर okay. नहीं, अगर किताब पढ़ना है तो सोने के लिए जैसा रेस्टिल पिल लेके सोते हैं ना, वैसा मत पढ़िए, सीरियसली अपना जिंदगी को चेंज होना है, आपका अपना बच्चियों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है, नहीं तो आप ये ब्राह्मण बनिया आयस्ता कत्री क्षत्रिय लोगों से आप जीतेगा नहीं, पूरा इंग्लिश में बोल रहे, ये आप, मेरा रिक्वेस्ट है, ये किताब फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप हर एक घर में एक कॉपी रख ली, अपना छोटों बच्चों से भी पढ़ाइए, और हिंदी कॉपी आ रहे हैं वो समझने के लिए बाद में पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू प्रोफेसर कांचा, आप आपसे बात करना हमेशा मतलब बहुत एजिटेट भी करता है, बहुत लर्निंग भी मिलती है, और आप जो एक स्टेटस को है डिस्कोर्स का उसको भी आप तोड़ते हैं, तो आप हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू दिलीप जी।